शालिनी, अर्चना जी, पूर्वी की आई? नमस्ते। आई ना? ये दरअसल मेरी मेरी दोस्त। दरअसल मैं तुम्हें यहाँ इनवाइट करने आई। मानव ने और डीके सर ने मेरे ठीक होने पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो इसलिए मैं तुम्हें बुलाने चली है और उन्हें तुमसे एक बात कहनी। थैंक यू, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, उसका एहसान मैं चाहकर भी नहीं चुका सकती। बस थैंक यू कहना चाहती हूँ। तुम आओगे ना? मैं जरूर आऊंगा। आई, हम लोग जरूर आएंगे। मैं बहुत खुशी है। शालिनी, तुम भी जरूर आना। लेकिन मैं तो शालिनी, तुम पूर्वी की दोस्त हो ना, इसलिए तुम्हें बुला। ओके, थैंक यू। जाओ अपने पापा के पास। मैं चलती। सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, लेकिन मिष्टी तुम कैसी बातें कर रही हो? लेकिन मुझे मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। पूर्वी तुम शालिनी, मैं बात कर रहा हूँ ना? मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि आई आने वाली है, मुझे आना पड़ा। और हम दोनों साथ तो नहीं रह रहे हैं, लेकिन दुनिया वालों की नजरों में हम अभी भी पति पत्नी हैं, तो हमें नाटक करना पड़ेगा। मिश्री देखो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और मैंने ही सच्चाई आई से छुपाई है, और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी ये सच्चाई किसी को पता ना चलने दो। अभी तक इधर है, जाओ ना, जल्दी जल्दी तैयार हो के पार्टी में आना है ना। जाओ जाओ जाओ। मानव, लगता है तू आज शाही पार्टी देने वाला है। ये नगाड़े, ढोल, ताशे, पार्टी की शुरुआत यहीं से कर रखी है क्या? अरे नहीं नहीं आई, मैंने ऐसा कुछ अरेंज नहीं किया है। मुझे पता है ये सब किसने किया होगा। अरे तो मेरी तरफ का देख रही है, हम दोनों ढोल नगाड़े नहीं मंगवाए यहाँ पे। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो। ए बाबा बंद करना, बोलने देना। अब ये बंद नहीं होगा मोहतरमा। खबरदार, होशियार, खल्क खुदा का, मुल्क जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो। मुगल सल्तनत का शाही फरमान, हुक्म है हर खास आम को 18 जून 2013 से मुगल सल्तनत के चश्मो चिराग शहनशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और मलिकाए हिंदुस्तान महारानी जोधाबाई आप सभी के टीवी दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। उम्मीद है मोहतरमा अब आप समझ गई होंगी। थोड़ा थोड़ा समझी। सुनो सुनो सुनो। वाओ, यानी कि जोधा अकबर की कहानी अब टीवी पे। हाँ, हम ये सीरियल जरूर देखेंगे, है ना आई? हाँ, ये प्रेम कहानी जरूर देखनी चाहिए। मुगल सल्तनत के बादशाह अकबर और राजपुतानी जोधा की प्रेम कहानी है। हाउ काइंड जोधा चेंज क्रूअल अकबर। हाँ, प्यार जिंदगी को बांधता है, इतिहास बनाता है, दुनिया को और दुनिया वालों को बदलता है। प्यार में बहुत ताकत होती है ना मानव? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अब तू मुझे एक बात बता सोहम,
तो सिर्फ मेरी प्यार की वजह से बदला ना। उसी तरह जोधा ने भी अकबर को अपने प्यार की वजह से बदला था। प्यार किसी को भी बदल सकता है ना? हाँ बात, जोधा अकबर की प्रेम कहानी तो काफी दिलचस्प लग रही है। आने तभी सो रहे हैं, बहुत थककर आए थे ना इसलिए। आखिर पूर्वी ने झूठ क्यों कहा मुझे? क्या वजह हो सकती है? Of course. Yes, I will. क्या बात है? तैयार नहीं हुआ? नहीं, I'm ready, Dad. आप चलिए, बस मैं आया हूँ. Is it quick? Yeah. फोन काट क्यों दिया? अरे मैं कुछ भी करूं, मुझे आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। मिस्टी, नाराजगी मुझसे है ना, तो फिर अर्जुन का फोन क्यों काट रहे हो? आई थिंक हमें देर हो रही है, चलना चाहिए। अच्छा, मैंने वो शालिनी को किसी काम से बाहर भेज दिया है, तो उसे आते आते काफी देर हो जाएगी, तो उसके आने का सवाल नहीं उठता। सिचुएशन को कैसे घुमाना चाहिए आपसे अच्छा और कौन जानता उन्हें। खैर, मुझे और किसी चीज से लेने देने नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे परिवार को हम दोनों के रिश्ते की सच्चाई के बारे में कुछ बताना चाहिए। मिसेज जोशी, ये मेरा बेटा है सोहम। मैंने कभी इसे देखा ही नहीं। दरअसल ये यहाँ नहीं था, ये अभी अभी मुंबई आया है, तो इसलिए। हेलो सो, हाय गौरी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अच्छा हो तुम आ गई, एंड आई एम श्योर अर्चना भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। सर ये तो बिल्कुल मेरा घर का फंक्शन है, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार जो दिया है, और मेरी इंटर्नशिप का ये पहला बड़ा कामयाब केस है, तो ये पार्टी मेरे लिए भी उतनी बेटर करती है जितनी कि आप लोगों के लिए। ऑफ कोर्स, आओ प्लीज। ओ माय गॉड, ये तो वही जाहिल गवार इंसान है, इसे इतने अच्छे कपड़े कहाँ से मिल गए? जरूर किसी और के उठाकर लाया होगा। अरे ये तो भाई डॉक्टर नहीं है बे, कितनी अलग लग रही है। तेजू सही कह रही थी अमरे से, ऐसा जश्न में लोग काफी अलग लगते हैं। बस एक ही चीज ना ही बदली, नाक चढ़ी की चढ़ी हुई है ससुरी की, पता नहीं कहाँ समझती है अपने आप को। ये तो यहाँ ही देख रही है बे, कहीं हमको ताकते हुए देख ले तो फिर बवाल खड़ा करेगी। तेजू, अरे आई, कितनी देर कर दी आपने आने में, हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे थे। वो देखिए अर्चना वहां है। ए भाई, अरे ये देख, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, तू तो बिल्कुल मानव जीजू जैसे दिख रहा है। काहे इतनी देर लगाई तूने? मेरी छोड़, अपनी बता, कैसा है तू? उस घर में खुश तो है ना? वहां के लोग तुझसे ठीक से बात तो करते हैं ना? हाँ भाई, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमको तोरी बहुत याद आती है भाई। रोज सवेरे तोरी चाय के साथ उठते थे, अब बहुत याद करते हैं तोरे को माई। मुझे भी तेरी बहुत याद आती, बहुत ज्यादा। Thank you.
हाँ वाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तुम आए मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे कैसे नहीं आता, आपने जो बुलाया था, और वैसे भी आपके ठीक होने की खुशी में तो मुझे आना ही था, है ना? पूर्वी ने मुझसे छूट क्यों कहा, और यहाँ सबके सामने वो इतना प्रिटेंड कर रही है। आई एम श्योर ऑनर और उसके बीच में जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और सच क्या है कि मुझे जानना होगा। अरे भैया लाई अरे नहीं नहीं लीजिए, अरे लीजिए, रस्ते में बहुत ठंडा बचा है, हम तो कहीं और से ले। एसन भी आप एक तो ले ही चुकी हैं, और तोरे गर्म मिजाज को देख के लगता है तू तीन चार ठंडा घटा ले आराम। तुम्हें कैसे पता कि मैं ऑलरेडी एक, अरे ये देखिए ना, और बताइए तेरा फोन बार ठीक हुआ तुमसे मतलब? अरे डॉक्टर है तेरा फोन है तेरा, अरे ओ माय, अरे मैडम सुन तेरा, वो ये तो पीछे ही पड़ गया, तेरे को लगता है तू कुछ भूल रही है, फील है? नहीं मेरा फोन नहीं है। फिर भूल गई, जहाँ तू खड़ी थी वहीं पड़ा था ही, तोरा ही फोन है, ले पकड़ी को। ये रहा मेरा मोबाइल। ये खड़ूस का फोन बनी है तो कौन कहाँ है ये फोन? सविता मौसी, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, मैंने वहाँ टेबल पर रखा था। सही नहीं जाएगा, डर मत, हम दोनों मिल के ढूंढते हैं। अरे भैया ये फोन बात हो रहा है का? हमारे को मिला है, देख ले तोरा। अरे यही तो मेरा फोन है। तो थैंक यू आंटी। दर्द कौन और किया, थैंक कौन और क्यों बोल रही है? अजीब दुनिया हो बता अमीर लोग। तुझे कुछ लाज वाज शर्म बिरम है? अपनी आई अपने परिवार के पार्टी में तूने चोरी की? चोरी नहीं तो क्या, हम कहाँ किए चोरी? तो ये मोबाइल तेरे हाथ में कैसा है? अरे वो हमको वहाँ पड़ा हुआ मिला तो हमने को लगा वो लड़की का होगा तो देने चले गए। कौन लड़की? उरे उल। कौन है, कोई तो नहीं है। अरे अभी वहाँ थी, हम कह रहे वहीं थी। नाटक मत कर, घर चल घर चल, तुझे मैं बराबर दिखाती हूँ, तू घर चल। कमाल, जब पहले चोरी डकैती करते थे कोनो हाथ नहीं उठाता था, आज अच्छा काम करने गए कह रही है मारेगी हम। ये सब वो डॉक्टरनी की वजह से हुआ है, जब आती है ससुरी पनौती है हमारी जिंदगी में, बैंड बजा के जाती है हमारी। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, अर्चना आज का ये सेलिब्रेशन तुम्हारे वापस आने की खुशी में है। मेरी जिंदगी के वापस आने की खुशी में। 2 महीने अर्चना कोमा में थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांस ही रुक गई है। मैं जिंदा तो था लेकिन जी नहीं रहा था, लेकिन आज मेरी अर्चना फिर से मेरे साथ है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की हर मुश्किल से फिर से लड़ सकता हूं। अर्चना के साथ साथ सारे रिश्ते सारी खुशियां भी वापस आ गई। बस मेरी पापा से यही गुजारिश है कि मुझे इजाजत दे दे कि मैं अपनी जिंदगी से वो 2 महीने हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूं। और हां मैं पापा से थैंक्स भी कहना चाहूंगा कि मानव को उसकी अर्चना लौटाकर उसने
मुझे फिर से एक बार पूरा कर दिया। लड़का कौन है जो तेरा हाथ पकड़ रहा है? दादा अच्छा हुआ पा गए, ये सनी है। हाँ कौन भी होगा, लेकिन तेरा साथ क्या कर रहा है? दादा ये मेरा दोस्त है। ये का तरीका हो दोस्त जताने का? दादा मैं तो भूल गई थी, आप तो इससे मिले ही नहीं है। मिलना भी नहीं चाहते। हाथ पकड़ना लिपटा चिपटी हमारी बहन के साथ नहीं चलेगा, बता दे। दादा वो मैं। ए कहा दादा? तोरे दादा नहीं है हम, तू तेजू का दोस्त है ना, दोस्त ही बन के रहे। तोरे पे जस्ट ने कौन बुला? या तू ऐसा नहीं? नहीं बकायदा इन्विटेशन मिला है। मेहमान की तरह रहे, मजे से खाना खाओ, निकल ले। ज्यादा तेजू के साथ मेल जोल किया ना? हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा। अच्छा रहेगा तोरे लिए, ध्यान रखेगा तो। जानता नहीं है तो भी हमरे को? जानता हूँ ना। कैसे जानता? कैसे जानता है? नहीं मतलब नहीं जानता, वो बस इतना समझ गया हूँ कि आप तेजू के भाई हैं और आई मीन बहुत अच्छे भाई हैं। दादा मेरा बात तो सुनिए। हेलो। हाँ पूर्वी, पूर्वी मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अर्जुन देखो यहाँ पे सब लोग हैं, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकती। देखो मैं जानता हूँ यहाँ पर सब लोग हैं, लेकिन मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। पूर्वी कैसा झूठ? पूर्वी जब कल मैंने तुम्हें फोन किया था और मैंने कहा था कि ऑनर कहाँ है, तुमने कहा था कि ऑनर सो रहा है। उस वक्त ऑनर घर पे नहीं था, उस वक्त ऑनर शालिनी के साथ बाहर था। तुमने झूठ क्यों कहा पूर्वी? बोलो पूर्वी, आई नीड टू नो दिस, क्यों कहा तुमने झूठ? व्हाट इज गोइंग ऑन, प्लीज टेल मी। बोलो पूर्वी, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। जस्ट पूर्वी। या हाँ दादा आई। क्या कर रही हो शालिनी? कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। तुम आई मुझे बहुत अच्छा लगा। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा प्लीज इसे अपनी पार्टी समझ लो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम एंजॉय करो, मैं एक मिनट में आई। शालिनी तुम्हारी क्या कर रही हो यहां पर तुम? शालिनी तुम जानती हो पूर्वी को हमारे सच के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, तो व्हाई यू ट्राइंग टू क्रिएट मोर ट्रबल? ओनर मैं कोई बिन बुलाई मेहमान नहीं हूं, अर्चना जी ने खुद इनवाइट किया है तब आएंगे। और ऐसे भी कुछ दिनों में तो सबको पता चलने ही वाला है कि हम दोनों शादीशुदा हैं।